हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी प्रिया रियल लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल से पहले ही हल्द्वानी में हमारी दीदी रहती है, मेरी नंद रहती है, तो हम लोग उनके वहाँ स्टे करेंगे, जो करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ भी विजिट करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब आगे मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय कर लिया, 1-2 घंटे हो गए हमें निकले हुए घर से, तो अब कहीं चाय के लिए रुकना है। आशी अपने पापा के साथ बैठी हुई। आशी कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो? बुआ के घर। बुआ के घर जा रही हो? क्या खा रही हो? स्ट्रेप्सिल खांसी हुई है क्या आशी तुम्हें? थोड़ा टाइम खेलने के बाद आशी सो गई थी। और आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बस हमारा सफ़र कंटिन्यू है। फ्रेंड्स, अब आशी उठ गई और इसने परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे नैनीताल ट्रिप को झुमरिया ट्रिप बना देगी। झुमरिया पापा के पास जाना है, इसे ड्राइव करना है, हॉर्न बजाना है। आशी के बाल पापा ने काट दिया, चंदा कट, न्यू हेयर कट, आशी का आर्मी कट, चंदा मामा कट। आशी जब बड़ी होगी तो बोलेगी कि मम्मा पापा ने कभी मेरा बाल बढ़ने ही नहीं दिया। आर्मी कट बन जाती है आशी, आर्मी। क्यों बदमाशी कर रही है बताओ सबको, क्यों बदमाशी हो रही है तुम्हारी, क्या दिक्कत है तुम्हें? शाम हो गई है और सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्री ब्रेक के लिए रुके हैं और आशी को उसका मील भी खिला देंगे। आशी गई है अपने पापा के साथ, थोड़ा टहल ली गाड़ी में बैठे बैठे, बहुत परेशान हो गई थी, और बस उसका यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। तो बस यहाँ से खाना खिला के 1 घंटे की जर्निंग और बची है, उसके बाद आशी अपने बुआ के घर पहुँच जाएगी। तो अब आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पहुँच के, और तब तक हमने लिया है यहाँ पे टी ब्रेक, 10-15 मिनट स्टे करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। आशी क्या कर रही हो? आशी खाना खा रही है। आशी आशी पापा कहाँ बैठेगा? पापा को बैठाओ। पापा कहाँ बैठेगा? बैठाओ। पापा कहाँ बैठेगा बताओ? पापा कहाँ बैठेगा? बैठो बैठो लेटो। बैठो बैठो। ओके, ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आशी किसी और के सिटिंग एरिया में चली गई है, और यहाँ पे जाके उसको चेयर पे बैठना है। उन लोगों को लग रहा है कि बच्ची खाने के लिए आई है, पर आशी कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ अपना मील ही खाती है। हाय कर दो बेटा। आजी टी टाइम। तुआ 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 टी टाइम हो गई है, रात हो चुकी है। इसलिए काफ़ी टाइम लग गया हमें, अब भी हमें हल्द्वानी जाना है।
मैं तो बेचारी जगह दे रही है बेचारी, पापा को बैठाएगी, पापा को बच्चा है। ये क्या गिरा लेगी, जल जाएगी जल जाएगी। फ्रेंड्स हम लोग मुरादाबाद से काफ़ी आगे आ चुके थे और हमने सोचा कि एक टी ब्रेक और लिया जाए क्योंकि रात हो गई थी और हमने सोचा कि चाय पीने के लिए रुकते हैं। और हम लोग जहाँ पे चाय पी रहे थे, बाइलक चाय के शॉप के बगल में एक बिरयानी की शॉप थी और उन भैया को हमने देखते ही पहचान लिया। उनकी पहले नोएडा में शॉप थी बिरयानी की और हम लोग अक्सर उनके शॉप से बिरयानी खाया करते थे, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाते थे। तो हमने जब उन्हें यहाँ पे मुरादाबाद में देखा तो हम बहुत खुश हो गए, हमने सोचा कि अपना डिनर यहीं पे इंजॉय किया जाए। और भैया ने बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाई थी, तो चाय वाले भैया बिरयानी वाले भैया दोनों लोग जान पहचान के निकल गए। तो हमने काफ़ी मज़े किए। हमारा जो टी ब्रेक था वो 15 मिनट से एक्सटेंड होके 45 मिनट का हो गया और हमने यहाँ पे देखी कितनी ढेर सारी चाय पी ली है। भैया बना के देते जा रहे थे और हम उन्हें मना भी नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सर्दियों में चाय पीने का अपना अलग मज़ा होता है और सफ़र में चाय पीने का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है सबको, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। वैसे मैं इतनी टी लवर नहीं हूँ पर कभी कभी चलता है। और बस अब हम लोग सीधा यहाँ से दीदी के घर रुकेंगे, तो चलिए। हाँ जी, कहाँ लेटी हो बेटा? डिग्गी में, डिग्गी में बेटा। बेटा डिग्गी में लेटी हो? हाँ, ये क्या देख रही हो तुम? खा रही क्या? हाँ, कौन सी टॉफी? स्टेपसिल। कम ब्लैंकेट वंकेट लेके चलिए लड़की अपना। हाँ कहाँ लेटी हो तुम? हाँ, ये डिग्गी में सोने की जगह है कहीं? हाँ, सोने की जगह है डिग्गी में। तुआ 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 हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए। बस 10 मिनट में दीदी के घर पहुंचने वाले हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं वहां पहुंच के। और वहां पे दीदी के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, पीहू और दक्ष भैया। वो आसी की उनसे बहुत बनती है, तो मैं आप लोगों को वहां पहुंच के दिखाती हूं आसी की एक्टिविटी, आसी की हैप्पीनेस उन लोगों को देख के क्या होती है। आशी, दक्ष भैया, सब नींद गायब हो गई। लगा क्या? कोरी पे लगा, अभी कोने पे लगा। आज हाथ भी दबा इसका।